मेरा नाम दिलीप कुमार है, मैं एक फिल्म बनाने के जा रहा हूँ जिसका नाम फासला है। इस फिल्म के डायरेक्टर के रहमान हैं जो साउथ से हैं और जिन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं। इस फिल्म के संगीतकार बप्पी दा यानी बप्पी लहिरी और शत्रुघ्न गोडावाला है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फिल्में की हैं और बहुत हीट हीट गाने भी दिए हैं जिन्हें सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते ही हैं। साथ साथ यह फिल्म लव स्टोरी और बच्चों की समस्याओं से जुड़ी हुई घटनाओं पर आधारित है। बच्चों की शैक्षणिक समस्याएं, बच्चों की विकास, बच्चों की और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो प्रॉब्लम्स माँ बाप की गलतियों से पैदा होती है, उन सभी समस्याओं को लव स्टोरी के साथ जोड़ते हुए इस फिल्म की कहानी को एक बहुत ही रोमांचक और जोरदार बनाया गया है जो आप देखेंगे तो इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही पसंद करेंगे। और इस फिल्म के जितने भी एक्टर हैं वे सब अच्छे एक्टर हैं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिलीप कुमार हरीशू, और आशा करते हैं कि इस फिल्म को देखकर आप पसंद करेंगे और हम सभी आदमी को आप प्रोत्साहित करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पूजा सिंह है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अभी तक मैंने कुछ सीरियल्स किए हैं, CID, शपथ, फिर फाइल्स, हॉन्टेड नाइट, कुछ इस तरह। मैं इस फिल्म में एक लीड रोल अदा कर रही हूँ। ये जो हम फिल्म करने जा रहे हैं ये बच्चों की शिक्षा, उनके विकास, ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर है। ये फिल्म लव स्टोरी भी है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं KA रहमान और इसके प्रोड्यूसर हैं दिलीप कुमार हरीशू। इस फिल्म का म्यूजिक दिया है शत्रुघ्न गोडावाला और बप्पी लहिरी जी ने। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ जी काम कर रहे हैं और इस फिल्म के नायक हैं दिलीप कुमार जी। इस फिल्म में बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स को दिखाया जाएगा। इस फिल्म के द्वारा हम पेरेंट्स गार्जियन को मैसेज देंगे कि उनको अपने बच्चों को किस तरीके से संभालना चाहिए या उनकी कैसे परवाह करनी चाहिए। मैं भी इस फिल्म में किरदार कर रही हूँ। आशा है कि आप लोगों को हमारा काम पसंद आएगा और आप हम लोगों को सराहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं शत्रुघ्न गोडावाला, फासला जो एक हिंदी मूवी है इसका संगीत कर रहा हूँ। इनके निर्देशक और लेखक KA रहमान जी हैं, इन्होंने साउथ में भी हिट पिक्चर दिया है और इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं दिलीप कुमार जी, बिहार से हैं, काफ़ी अनुभवी और युवा हैं, टैलेंट से भरपूर। और इस फिल्म में दिलीप जी खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं, लीड में हैं, प्रमुख भूमिका में हैं। यह फिल्म इसमें बच्चों का बिखराव ना हो, बच्चे कैसे सही रास्ते पे आएंगे, उनके माता पिता के गलतियों के कारण बच्चे को भी मतलब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा ना हो और बच्चों के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। और ये फिल्म एक शिक्षाप्रद होने के साथ साथ जो युवा वर्ग के लोग हैं और जो पारिवारिक लोग हैं, सारे लोगों के लिए एक जो है शिक्षाप्रद भी है और मनोरंजन से भी भरपूर है। यह फिल्म एक लव स्टोरी भी है, तो इसमें यह एक्शन प्रधान तो नहीं है, फिल्म में थोड़ा बहुत मारपीट भी है लेकिन मनोरंजन से भरपूर है और शिक्षाप्रद है। बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के विकास के लिए इस फिल्म का निर्माण किया है दिलीप जी ने। इनमें पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कहानी, पूरा जो भी है, जिन्हें कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, डायरेक्टर हमारे KA रहमान जी काफ़ी मेहनती, काफ़ी अनुभवी हिंदी पिक्चर कर चुके हैं और ये उनकी साउथ में चूँकि वो ऑलरेडी हिट पिक्चर दे चुके हैं, तो हम तभी उम्मीद करते हैं कि हमारे मूवी को आप लोग सभी भाई बहन एवं सभी वर्गों के लोग इन्हें काफ़ी पसंद करेंगे और थिएटर में जाकर के भरपूर मनोरंजन करेंगे। मैं आद्या यादव,
मैंने कई फिल्में एडिट की हुई हैं, हिंदी, अदर लैंग्वेज, बंगाली, और अभी मुझे एक नई फिल्म का मौका मिला एडिट करने के लिए। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं KR रहमान जी और निर्माता दिलीप कुमार हरेशु। इस फिल्म को संगीत दिया है शत्रुघ्न गुड्डावाला। यह फिल्म बच्चों के ऊपर आधारित है, बच्चों की समस्याओं को कैसे एक पेरेंट्स सॉल्व करते हैं, कैसे उनको मैनेज करके चलते हैं, इस फिल्म में दर्शाया गया है। इस फिल्म में लव स्टोरी भी। इस फिल्म को हमारे सभी वर्गों के लोग पसंद करेंगे, मुझे आशा है। यह फिल्म बहुत अच्छा करेगी। आप इस थिएटर में जाइए, फिल्म एंजॉय कीजिए और हमारी सारी टीम को उत्साहित कीजिए। कुछ कहने से पहले आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम और प्रेमपूर्ण नमस्कार। ऐसे तो जिंदगी में इंसान को बहुत सारे समस्याएं आते हैं और समस्याओं का समाधान भी होता है। इसी तरह से हम अब एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम फासला है। अब एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिलीप कुमार जो सारा हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया जानती है, वो एक जज्बात है। तो हमें अब खुशी हो रही है कि उन्हीं के नाम से दिलीप कुमार नामी और एक कलाकार, एक एक्टर जन्म लेने वाले हैं, जो इस फिल्म के दौरान उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वो एक मेहनती और खुद्दार इंसान है जिन्होंने पोस्ट मास्टर ग्रेजुएशन भी किया है। वो एक अच्छे लेक्चरर हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से उनको बहुत लगाव है। यही कारण है कि उन्होंने सोचा कि ये मासूम बच्चों के समस्याओं के ऊपर, उनके बारे में, उनके विकास के बारे में कोई फिल्म बनाया जाए। उन्होंने मुझसे मुलाकात की और मुझसे कहा, कैसे जी, मैं एक हिंदी फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा, आप तो लेक्चरर हैं, इसमें क्यों रुचि रखते हैं? उन्होंने कहा, तो मैं अब से नहीं, बचपन से मुझे शौक है कि मैं कुछ करूं। तो मैं ये बच्चों को पढ़ाता हूं और बच्चों को जितना नजदीक से मैं देखता हूं, उनके माँ बाप गार्डियंस नहीं देख सकते आज के माहौल में। पति भी नौकरी करता है तो पत्नी भी नौकरी करती है, बच्चों का ख्याल कौन करेंगे? यही वजह है कि बच्चे माँ बाप का प्यार जी भर के नहीं पाते। अब ये फिल्म एक ऐसी है जिसमें प्यार है, जज्बात है, इमोशंस है, लव है, सब कुछ है, साथ में मासूम बच्चों की नादानियां, मासूम बच्चों की तकलीफ और उनका समाधान क्या है। माँ बाप जिंदगी में गलती कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप की गलती बच्चों की जिंदगी के लिए सजा बन जाती है। मासूम बच्चों का क्या है? ये गलती ये करेंगे तो सजा उनको बहुत ना पड़ेगा। तो हम इस फिल्म में ये सब दिखाना चाहते हैं कि पेरेंट्स, गार्डियन अपने बच्चों को किस तरह से परवरिश करें।
किस तरह से बेजुबान करें। ऐसे तो जिंदगी में सुख दुख प्यार मोहब्बत जज्बा ये सब जुड़े ही रहते हैं, लेकिन कई चीजें इन चीजों से हटकर हैं जो कहलाते हैं कि इंसान का फर्ज। इंसान अपने फर्ज को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेने के बाद उसका इंसान का फर्ज होता है कि उसको एक कामयाब इंसान बनाए, एक कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाए। आज का बच्चा कल इस देश का महान है। ये बच्चे हर एक की जान होते हैं। कहा जाता है कि बच्चों में भगवान का रूप होता है, और क्यों मासूम बच्चों को काम करवाया जाता है, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि इस फिल्म को संगीत से संवारा है। एक नहीं दो लोगों ने संवारा है। एक जी हैं बप्पी लहरी जी हैं, दूसरा शत्रुघ्न गुड्डा वाला जो अब उभरते हुए संगीतकार हैं। अब उन जवान हैं, जोश है उनमें, ऑडियंस को कुछ नयापन देना चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जरूर देंगे और अपने संगीत से आप सब लोगों के दिलों को जीत लेंगे। दोस्तों, मैं आशा कर इस फिल्म को देखें और हमारे हिम्मत और सही को मिले करें, क्योंकि हम आपके बिना नहीं हैं। आपका साथ ही हमारी कामयाबी है। अगर आप साथ न दें तो हम कुछ भी नहीं। और पिछले जो भी उन्होंने कहा कि ये साउथ के बड़े डायरेक्टर हैं, ये हैं, मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन बड़ा छोटा ये कुछ नहीं है। असल में आप जिसको ऊंचा पीक पर पहुंचाना चाहते हैं तो आप महान हैं, गिराना चाहते हैं तो आप गिरा सकते हैं। ये सब कुछ आपके हाथ में है। मैं हर तौर से विनती करता हूँ मेरे भाई बहन कि इस फिल्म को देखिए और देखकर सराहिए और हिम्मत अफजल की। और जो बच्चे राह से भटक चुके हैं उनके समाधान के लिए जरूर आपको इसमें मैसेज संदेश मिलेगा। जय हिंद।